बॉलीवुड। आज की दुनिया में ये नाम काफी ज्यादा बदनाम हो चुका है, चाहे वो हिंदू भगवानों का मजाक बनाना हो या लेजेंड गानों को कॉपी कर स्क्रिप्ट बनाना हो। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में कई गाने तो हिट्स के भी कॉपी किए गए हैं। खैर, ये तो रही बॉलीवुड की कॉपी और हिंदू देवताओं का मजाक बनाने की बात, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर और बॉलीवुड के बारे में। खैर, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बॉलीवुड की उन 5 फिल्मों के बारे में जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर आधारित हैं और उन्होंने अपनी सुर्खियों से बॉलीवुड का नाम ही रोशन नहीं, उसको बढ़ोतरी भी की है। सबसे पहली फिल्म की हम बात करेंगे जो है भीम गर्जना। दोस्तों, विजय पवार की ये फिल्म बाबा साहब अम्बेडकर पर आधारित उन फिल्मों में से एक है जिसमें एक्टर कृष्णानंद ने बाबा साहब अम्बेडकर का किरदार निभाया था, जबकि प्रतिमा देवी ने बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई का किरदार निभाया था। ये फिल्म उस समय काफी हिट रही थी। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं दूसरी मूवी पर जो है बालक अम्बेडकर। ये फिल्म आई थी 1991 में। ये फिल्म बाबा साहब अम्बेडकर के बचपन के दिनों में आधारित है। इस फिल्म में युवा किरदार चिरंजीवी ने बाबा साहब अम्बेडकर का बाल किरदार निभाया था और इनके साथ तीर्थ पिस्तात, जगन्नाथ राव और मास्टर उमेश ने काम किया था। ये फिल्म भी उन दिनों में काफी हिट रही थी। अब आ जाते हैं तीसरी फिल्म पर जो कि है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विजय पटेल की इस मूवी ने एक्टर ममूटी ने बाबा साहब अम्बेडकर का किरदार निभाया था। ये फिल्म बाबा साहब अम्बेडकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी यात्रा स्वतंत्रता स्वर्ग की ओर ले जाने में जाती है। इस फिल्म में बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी कई बड़ी बड़ी घटनाओं को समेटने की कोशिश की गई है। एक्टर ममूटी ने अपने किरदार से इस फिल्म के जरिए कई बड़े बड़े अवार्डों को जीता था। और इसके बाद आती है भारत को हिला देने वाली मूवी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि आई थी 2005 में। दोस्तों, शरण कुमार कपर की ये मराठी भाषा की मूवी है जो बाबा साहब अम्बेडकर पर आधारित है। इस फिल्म में बाबा साहब अम्बेडकर का किरदार विष्णुकांत बीजे ने निभाया था। इसी बीच उनकी पत्नी तारा ने बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई का किरदार निभाया था। उनके शुरुआती जीवन से लेकर शुरुआती दिनों तक और अंत तक बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में फिल्म में बताया गया है। इस फिल्म में पूरे कर्नाटक में तहलका मचा कर रख दिया था और फिल्म ने कई सारे राष्ट्रीय अवार्ड भी जीते और इस फिल्म ने कनक राजक पुरस्कार, वेस्ट डबल पुरस्कार, कर्नाटक स्टेट स्पेशल यूरियर कई सारे अवार्ड जीते थे। अब आते हैं नंबर 5 फिल्म पर जो कि है बाल भीमराव। दोस्तों, इस मराठी फिल्म का आविष्कार प्रकाश राव नारायण यादव ने किया था। इस फिल्म में मोहन जोशी, विक्रम गोखले, किशोरी प्राणे और प्रेमा किरण ने काम किया था। फिल्म बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पे बोस्त है और उनके शुरुआती दिन में बाबा साहब अम्बेडकर को एक अच्छा दलित नेता बनाने की प्रशंसा करती है। फिल्म में गाने सुरेश भाटकर और शंकर नादद के हैं। इस फिल्म ने अपनी काबिलियत से बहुत सी सुर्खियां बटोरी थी। अब आ जाते हैं हमारी मेन बात पर। नाना पाटेकर ने जो बॉलीवुड के सुपरस्टार स्टार हैं, दोस्तों फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का पहले आप ये वीडियो देखिए। नाना, तुमच्यासाठी प्रेरणादायी कोण आहे? आमच्यासाठी तुम्ही प्रेरणादायी आहात। तुम्हाला कोण? बाबासाहेब आंबेडकर। बाबासाहेब आंबेडकर कायम सुटामध्ये आहे, सूटबूट आयुष्यभर फक्त दलितांसाठी, आणि त्यांनी केवळ दलितांसाठी काम केलेलं नाही आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल हा गैरसमज आहे की केवळ। दोस्तों, नाना पाटेकर का कहना है की बाबासाहेब आंबेडकर दलित नेता है लेकिन उन्होंने भारत के सभी समुदाय के लिए काम किया है, ये बोलते नाना पाटेकर फिल्म अभिनेता के। नाना पाटेकर का कहना है बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया है।
फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर हिंदी और मराठी दोनों फिल्मों में काम कर चुके हैं। वैसे दोस्तों आप सभी लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।